कि क्या सावरकर के कथन या सावरकर के आइडियाज जो हमारे सामने रखे जाते हैं वो वैसे थे या नहीं थे सो यस वी हैव फॉर द क्लास जल्दी से क्लास को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और अपने अटेंडेंसेस को मार्क कर दें ऑल्सो राइट हाई हेलो गुड इवनिंग इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सी ऑल ऑफ यू हैव एंड वी कैन स्टार्ट एट द अर्लीस्ट स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स

ट चैनल पर आ जाना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पोलिटिकल साइंस ये ओके लेटमी सी अराइव शाजिया विवेकानंद राकेश भानमती अमित कुसुम रक्षित सलोनी गुड इवनिंग वॉइस बिल्कुल लो है इज इट इज माई वॉइस वेरी लो गुड इवनिंग शुभम इफ माई वॉइस इज लो यू विल गेट इट करेक्टेड ओके ओके कुसुम इसको चेक करते हैं गिव मी मिनट गिव मी अ मिनट आई गेट इट करेक्टेड बाय द टाइम आप लोग सेशन को प्लीज शेयर कर दें एंड मार्क योर अटेंडेंस इज लेट मी नो कि कौन कौन क्लास में आ चुका है ओके आई गेट इट करेक्टेड तब तक आप लोग क्लास में बताते जाएं मुझे कौन कौन आ चुका है ओके ओके गुड इवनिंग प्रत्युषी वॉइस इज फाइन साउंड बढ़ा दीजिए गुड इवनिंग भाई असली नाम से आए चॉकलेट बॉय सूर्या गुड इवनिंग आहूति गुड इवनिंग ओके ओके ठीक है चलिए तो वॉइस को एक बार हम देख लेते हैं एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं एंड बाय द टाइम स्टूडेंट्स आप अपने भी जो भी आपके हैंडसेट्स हैं जहां भी आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं उसके भी वॉल्यूम्स चेक कर लीजिए बिकॉज इट इज गुड परफेक्ट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नॉट परफेक्ट फॉर सम सो आई गेट इट ओके ओके सुनील गुड इवनिंग आते जाइए क्लास में स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट इन टू मिनट्स दो मिनट में हम क्लास को शुरू करेंगे आपकी और वी डी सावरकर के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे बिफोर दैट सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सबके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी कब कब फ्री क्लासेस होती हैं मेरे साथ उसको आपको मार्क कर लेना है

ठीक है स्टूडेंट्स ऐप पर हमने फ्री सीरीज चलाई हुई है इस मंथ मैंने आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड की सीरीज चलाई है जिसके तहत कल हम क्लास ले चुके हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की और आने वाले कल में हम पढ़ने वाले हैं यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन तो जितने भी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के आपके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस फ्री ऐप सीरीज विच यू कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ माइ जूस एग्जाम्पल एप एट वन पी एम ट्यूसडे एंड थर्सडे सो आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं सो so, टेलीग्राम की डिटेल्स के सामने स्क्रीन पर है आप मुझे भी टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं बिगनिंग एंड यू कैन फाइंड मी आउट और आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट आई कैन एड यू इन द ग्रुप एंड यू कैन गेट एक्सेस टू अलॉट ऑफ फ्री कॉन्टेंट ओके सो चलिए शुरू करते हैं आज आंसर की आ जाएगी शुभम वी आर एक्सपेक्टिंग आज आंसर की आ जाएगी सो so yes जैसे ही आंसर की आएगी आपको इमीडिएट इमेशन दी जाएगी एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल पर प्लस टेलीग्राम पर भी आपको नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे जैसे ही आपकी आंसर कीज आएंगी वी एक्सपेक्ट जैसे ही आपकी आंसर कीज आएंगी वी एक्सपेक्ट कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ एग्जाम एनालिसिस में भी रहे जिन्होंने सपोर्ट किया वो सारे स्टूडेंट्स अपनी आंसर की हमारे साथ शेयर करेंगे मीन्स क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे सो दैट आंसर की चैलेंज को हम काम आंसर uh, की चैलेंज पर हम काम कर सकें राइट सो आई एक्सपेक्ट कि आप सब अपनी आंसर की या फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हमारे साथ शेयर करेंगे एज सुन एज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू और शेयर कहाँ करना है वो आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर आपको हमसे कनेक्ट करना है और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं ताकि जल्दी से हम स्टडी करके एनालिसिस करके और आंसर की चैलेंज के लिए आपके सामने क्वेश्चन ला पाए ऑल्सो स्टूडेंट्स आपको जो भी क्वेश्चन चैलेंजेबल लगेंगे आप उसके लिए हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट करेंगे टेलीग्राम के डिटेल्स आपके सामने हैं सो दैट स्टूडेंट्स आपके बहुत ही जल्दी क्वेरीज को हम रीड आउट करके और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो भी आपको एक विंडो दी जाती है आंसर की चैलेंज करने के लिए उसमें हम आंसर को चैलेंज करें राइट सो ओके इज माई वॉइस ओके नाउ क्या मेरी वॉइस अब क्लियर है गुड इवनिंग सुभश्री तपस गुड इवनिंग आहूति गुड इवनिंग कुसुम हैव पेशेंस डोंट वरी इज माई वॉइस नाउ क्लियर टेक जस्ट टू मिनट स्टूडेंट्स लेट्स फिक्स दिस टेक्निकल एर और फिर हम शुरू करते हैं क्या वॉइस ठीक है ओके ओके थैंक यू आहुति पुबाली अक्षय गुड इवनिंग ऑल क्लियर थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ वी डी सावरकर चलिए तो शुरू करते हैं नो इशूज ठीक है चलिए ओके सो नो इशूज फॉर मेजोरिटी ऑफ यू शुरू करते हैं स्टूडेंट्स चलिए तो वी डी सावरकर के बारे में आप क्या जानते हैं जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं वॉट ऑल डू यू नो अबाउट वी डी सावरकर जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं वी डी सावरकर के बारे में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है प्लीज शेयर दैट विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन यस गुड इवनिंग रजनीता गुड इवनिंग दीना नाथ वेलकम टू द क्लास साधना गुड इवनिंग आते जाइए और मुझे बताए वी डी सावरकर के बारे में आपको क्या जानकारी है 1857 क्या हुआ 1857 प्रदीप प्लीज राइट इन डिटेल गुड इवनिंग प्रिंसी यस ओके ओके मित्र मेला के संस्थापक रहे शुभश्री कह रही हैं उसके अलावा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ठीक है उसके अलावा आपने कहा बॉर्न ऑन ट्वेंटी फाउंडर ऑफ अभिनव भारत यस ये करेक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट ही प्रमोटेड हिंदुइज्म दीपासी दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक येस ही प्रमोटेड हिंदुइज्म बट वॉट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म ज हिंदुत्व वॉट वॉज हिंदुजम फॉर वी डी सावरकर उसके बारे में आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं हिंदुत्व का आइडिया दिया एब्सोलूटली करेक्ट हिंदू महासभान जून एज वेल फॉर गुड ओके ही फॉर सपोर्टिंग खिलाफत मूवमेंट चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स एक एक करके बात करेंगे सारी डिटेल के बारे में सो एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है कांसेप्चुअल इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं कांसेप्चुअल इंफॉर्मेशन की हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं ओके चलिए सो स्टूडेंट्स द थिंग इज दिस कि वी डी सावरकर को आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं 28th मई ही वाज बोर्न ही वाज बोर्न ऑन 28th मई ठीक है अब स्टूडेंट्स वी डी सावरकर का जब जन्म हुआ उनका सावरकर का जब जन्म हुआ दैट वॉज द ईयर ऑफ 1883 28 मई 1883 को उनका जन्म हुआ चार भाई थे वीडी सावरकर चार भाई थे कौन कौन से भाई थे गणेश सावरकर वीर सावरकर जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं नारायण सावरकर और मीना सावरकर द थिंग इज गणेश सावरकर और वीर सावरकर का नाम आप बार बार पढ़ेंगे ठीक है जी चलिए अब स्टूडेंट शुरू से ही जो फैमिली है फैमिली में माहौल था की क्रांतिकारिता सावरकर ब्रदर्स के खून में हमें शुरू से ही देखने को मिलती है उनका जो आप कहिए कि फैमिली लेवल पे इंटरेक्शन था वो क्रांतिकारियों से रहा उन्होंने जो किताबें पढ़ी वो सारी क्रांतिकारी थी एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सॉ दैट गणेश एंड वीर सावरकर स्पेशली द सावरकर ब्रदर्स टर्न आउट टू बी द ग्रेट इन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम एंड इंडिया फ्रीडम फाइटर्स राइट चलिए सो वीर सावरकर की बेसिक डिटेल्स जो हैं वो आपको मैंने बता दी हैं अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है आप सबको जानना जरूरी है कि वीर सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे में वहां से उन्होंने पढ़ाई करी थी कहाँ से फर्ग्यूसन कॉलेज है पुणे में वहां से उन्होंने पढ़ाई करी थी ठीक है एंड वहां से उन्होंने जब पढ़ाई करी थी स्टूडेंट्स दैट वाज़ द ईयर ऑफ 1902 जब वो फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में गए वहां पर 1902 में वो गए और उन्होंने अभिनव भारत की शुरुआत की

वीर सावरकर का नाम पढ़ते हैं दोनों भाइयों के कॉमन uh, एफर्ट uh, से मित्र मेला का की स्थापना हुई थी एंड देन वी हैव सीन अभिनव भारत जिसका नाम आप बार-बार पढ़ोगे सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में वीजी सावरकर जब फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहां पे अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ या फिर कहिए कि क्रांतिकारी विचारधारा से uh, uh, वो इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की स्टूडेंट्स वी डी सावरकर फिर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं और एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं जिनका नाम आप जानते होंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा उन्होंने वी डी सावरकर को हेल्प प्रोवाइड की थी कि वो अपनी पढ़ाई के लिए आगे लंदन गए जब वो बाहर गए विदेशों में गए और उन्होंने विदेशों से भी बहुत सारी चीजें देखी समझी एंड ये वी हैव सीन दैट वी डी सावरकर वॉज द वन हु गॉट इन्फ्लूस्ड विद द माजनीज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो कि माजनी की सीक्रेट सोसाइटी एस्टैब्लिश करने की तकनीक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भारतवर्ष में भी ऐसे ही काम किया अब सब कुछ ठीक चल रहा था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी इंडिया में वो कुछ हथियार भेज रहे थे क्रांतिकारी अपने लेवल पे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लड़ रहे थे होता क्या है स्टूडेंट्स होता है 1910 में एक इवेंट एक इंसिडेंट 1910 में जैक्सन नामक एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे आईसीएस अधिकारी थे जो कि नासिक में तैनात थे महाराष्ट्र नासिक में हाँ विडी सावरकर का जन्म भी नासिक में ही सावरकर का जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ था तो आईसीएस अधिकारी थे जैक्सन नामक उनका मर्डर हो जाता है बाय द रेवोल्यूशनरीज और जब मर्डर होता है तो ऐसा क्लेम किया जाता है कि उनका मर्डर उस बंदूक से हुआ है जो कि सावरकर ने भेजी थी भारत तो 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है और उसमें वीर सावरकर गणेश सावरकर के भी नाम थे स्टूडेंट्स फाइनली वीर सावरकर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें अंडमान निकोबार की सेलर जेल में भेज दिया जाता है जिसे हम काला पानी के नाम से जानते हैं अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है जिसे काला पानी की सजा के नाम से हम जानते हैं नाउ द थिंग इज दिस ये काला पानी की सजा सही में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती थी वीर सावरकर बहुत ही लिखने के शौकीन थे अगर कोई मराठी स्टूडेंट होंगे या मराठी जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि वीर सावरकर की बहुत ही अच्छी पोएम्स उन्होंने कभी ना कभी पढ़ी होंगी तो उन्हें लिखने का बहुत अच्छा शौक था बहुत ज्यादा शौक था बट वहां पे उन्हें पेन पेपर नहीं दिया गया और ऐसा कहा जाता है जो कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि वीर सावरकर ने अपने ब्लड से अपने खून से जेल की दीवारों में बहुत सारी पोएम्स बहुत सारे कोड्स बहुत सारे कथन और क्रांतिकारी विचारों को लिखा उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि उन्हें वैसे दिया तो लाइफ जाता है बट उनके अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें अंडमान निकोबार जेल से निकाल करके रत्नागिरी जेल महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया जाता है सो ये तो है उनके जीवन की कथा स्टार्टिंग के दिनों में क्या उन्होंने फेस किया

तो वी डी सावरकर का कहना है वीर सावरकर का कहना था कि भारत में जो लोग जन्मे हैं भारत कहां से कहां तक है इंडस से लेकर के नीचे समुद्र तक इंडस सिंधु घाटी आपने पढ़ी है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी से लेकर के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी हम कहते हैं तब जो है अखंड भारत हुआ करता था तो इंडस से लेकर के सीस तक समुद्र तक जो भारत की भूमि में जन्मा है वो भारतीय है ये कॉन्सेप्ट था वीडी सावरकर का ठीक है को, कोई भी रिलीजन को वो वर्शिप कर रहा हो किसी भी फेथ को वो मानता हो किसी भी धर्म का हो लेकिन वो भारतीय है ही इज नोन एज फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया ही इज नोन एज इंडियन दैट वी डी सावरकर सो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन उनके रेवोल्यूशनरी फेज के बारे में पढ़ेंगे आईडिया ऑफ हिंदुत्व के बारे में पढ़ेंगे एंड हु अ हिंदू फॉर सावरकर उसके बारे में पढ़ेंगे सो बेसिक डिटेल हमने डिस्कस कर ली है उनका रेवोल्यूशनरी फेज कब शुरू होता है जब वो 1902 में पढ़ने जाते हैं पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में 1904 में अभिनव भारत की स्थापना करते हैं और फिर हमने देखा कि क्रांतिकारी गतिविधियों में वो संलिप्त हो जाते हैं और फाइनली 1910 में वो जेल चले जाते हैं जैक्सन के मर्डर के चार्ज में ठीक है उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो रहा वी सावरकर के कार्यकाल में वो ये था कि नाइनटीन में वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने 1937 में जब वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने स्टूडेंट्स तो वो लगभग तो काल में बहुत ज्यादा हिंदू महासभा में उनकी आइडियोलॉजी को हमने इन्फ्लुएंस करते हुए देखा एंड ये वी जनरली से हिंदू महासभा इज इक्वेलन टू सावरकर विच इज नॉट एट ऑल कंप्लीटली करेक्ट फाइन कैसे उसके बारे में हम बात करेंगे सो so चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है मेगा वर्कशॉप है तोशिबा मैम की सेवेंथ जुलाई को शाम छह बजे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है इस वर्कशॉप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसमें आप खुद को रजिस्टर करें और दिसंबर की अपनी स्ट्रैटेजी के लिए यू कैन टेक हेल्प यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द मेंटर इट उसके अलावा आपके स्क्रीन पर एक स्कैन कोड है उसको स्कैन करके यू कैन गेट एक्सेस टू अलॉट ऑफ फ्री कॉन्टेंट स्पॉन्सर्ड बाईजूस एग्जाम प्रेप चलिए तो आगे बढ़ते हैं हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं यस उनके जीवन का क्रांतिकारी चरण यस रश्मिता 1902 में था यस राइट राइट चलिए अक्षय बिल्कुल ठीक कहा आपने उसके बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने आरएसएस को क्या कहा तो 1937 में हिंदू महासभा को ज्वाइन किया सावरकर ने और उसके बाद वो उसके प्रेसिडेंट बन गए अध्यक्ष बन गए फॉर सेवन लगातार उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा कहा क्या वी आर अ नेशन इन कहाल्स हम हिंदू स्वयं में एक राष्ट्र है।, है आप समझ रहे हैं राष्ट्र क्या है स्टूडेंट्स वॉट इज नेशन नेशन इज अ कल्चरल एसोसिएशन राइट नेशन और स्टेट आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं आपको पता होगा नेशन और स्टेट दो कॉन्सेप्ट हैं। नेशन आपका कल्चरल एसोसिएशन है सांस्कृतिक गठबंधन या फिर सांस्कृतिक इकाई को हम नेशन कहते हैं और स्टेट हम किसको कहते हैं एक राजनीतिक इकाई को कहते हैं एक पॉलिटिकल एसोसिएशन को कहते हैं तो वो क्या कहते हैं वी डी सावरकर वी डी सावरकर कहते हैं वी आर अ नेशन इन अवर सेल्स एंड वी नीड स्टेट हम कल्चरल एसोसिएशन तो है हमारी संस्कृति तो एक जैसी है हम हिंदू हैं हम एक नेशन uh, uh, है पर हमें स्टेट की आवश्यकता है पॉलिटिकल एसोसिएशन की आवश्यकता है ठीक है अब स्टूडेंट्स देखिए जैसे कि अक्षय ने कहा कि आरएसएस और वीडी सावरकर के बीच में हमें कहीं कहीं मतभेद देखने को मिलता है सो वो मतभेद कैसे रहा क्या रहा उसके बारे में हम बात करेंगे उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में आरएसएस गॉट स्टैब्लिश इन 1925 एंड सावरकर आरएसएस के सदस्य नहीं थे जो कि हमें आम तौर पे पता होता है कि आरएसएस के सदस्य थे सावरकर तो ऐसा कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स आरएसएस चाहती थी हिंदू राष्ट्र हिंदू नेशन विद इन इंडिया राइट बट सावरकर कहते थे कि नहीं हमें क्या चाहिए हिंदू स्टेट चाहिए ओनली हिंदू मेजॉरिटी चाहिए ठीक है तो क्या आरएसएस और क्या वीडी सावरकर के मतभेद थे आरएसएस हमेशा चाहती थी अग्री करती थी फॉर हिंदू नेशन हिंदू नेशन चाहती थी हिंदू रिलीजन के बेसिस पे और सावरकर कहते हैं कि हमें हिंदू स्टेट की आवश्यकता है हम ऑलरेडी एक नेशन है विदाउट द रिलीजन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं हम सब हिंदू हैं जो कि भारत की भूमि में जन्मे हैं भारत की भूमि के रहाकू हैं और हमें एक स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिटी की आवश्यकता है इसीलिए वो आरएसएस को क्रिटिसाइज करते हुए भी दिखते हैं सो so, स्टूडेंट्स वो हिंदुइजम और हिंदू रिलीजन के आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने अपने थर्ड क्लास में ही मैंने आपसे कहा ना कि बचपन से ही क्रांतिकारी थे तो थर्ड क्लास में ही उन्होंने जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में थे आर्टिकल लिखा था द ग्लोरी ऑफ हिंदू कल्चर द ग्लोरी ऑफ हिंदू कल्चर उसके बाद 1928 में उन्होंने किताब लिखी हिंदुत्व हु इज अ हिंदू 1928 में उन्होंने किताब लिखी हिंदुत्व हु इज अ हिंदू फॉर एडवोकेटिंग हिंदू नेशनलिज्म और आरएसएस ने क्या कहा आरएसएस ने कहा कि भाई यही हिंदू नेशनलिज्म को आर फॉलो कर रहा है बट येस देर इज अ डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट जो कि मैंने अभी आपको बताया सावरकर एक हिंदू स्टेट की डिमांड करते हैं बल्कि आर एस एस एक हिंदू नेशन की डिमांड करता है एंड एंड इसी आर एस एस हिंदू राष्ट्र की मांग करता है सावरकर हिंदू राज्य की मांग करते हैं यह उन्हें एक मार्गदर्शक व्यक्ति के रूप में भी मानता है लेकिन सावरकर क्या कहते हैं सावरकर कहते हैं संग एक डरपोक हिंदू संगठन है getting it rss के प्रति सावरकर के जो विचार थे वो थोड़े अलग थे सावरकर कहते हैं कि संघ वाज अ टिमिड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बल्कि rss ने सावरकर को अपना मार्गदर्शक माना है ठीक है जी चलिए अब हिंदू कौन थे या हिंदू टर्म से क्या तात्पर्य था बी सावरकर का फॉरेन हिंदू टर्म वाज अ रेस एंड अ नेशनैलिटी हिंदू शब्द एक जाति और एक राष्ट्रीयता था बाय रेस ही मेंट पीपल इन द टेरिटरी ऑफ भारत जाति रेस रेस का मतलब क्या हुआ नस्ल भी आप कह सकते हैं वो लोग जो कि भारत की भूमि पर रह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट सिंगल कॉमन फोर तो जो भी लोग भारत की भूमि पर रह रहे हैं उनके पूर्वज सेम हैं, उनके पूर्वज इसी भूमि से थे सो वो सब हिंदू हैं, वो एक ही रेस एक ही जाति या फिर एक ही नस्ल को बिलोंग करते हैं और वो हिंदू हैं ऐसा सावरकर का कहना था स्टूडेंट्स ध्यान ये रखिएगा हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बीच में सावरकर ने एक डिफरेंस हमें कोट किया था राष्ट्रीय स्वयं संघ विवेकानंद आर का फुल फॉर्म ठीक है हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बीच में एक डिफरेंस प्रेजेंट किया था वी डी सावरकर ने क्या उन्होंने कहा था उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में कुछ कहा था आप ध्यान रखिए हिंदुइज्म को कहा था कि हिंदुइज्म एक्चुअली इज नॉट अ रिलीजन हिंदुइज्म एक धर्म नहीं है बल्कि इट इज अ वे ऑफ लिविंग यह जीवन यापन का एक तरीका है क्या कहा हिंदुज्म एक धर्म नहीं है नॉट ओनली रिलीजन रिलीजन नॉट अ एक धर्म नहीं है बल्कि इट इज अ वे ऑफ लिविंग इट इज अ वे ऑफ लिविंग यह जीवन यापन का एक तरीका है स्टूडेंट्स ये सावरकर का कहना था ही वॉन्टेड टू अकोमोडेट डाइवर्स नेटिव फेथ सिस्टम वो बहुत सारे जो लोकल विभिन्न मूल थे विभिन्न बिलीव थे उनको रिलीजियस प्रैक्टिस थी उनको हिंदुइज्म में जोड़ना चाहते थे गेटिंग इट और उन्होंने क्या कहा हिंदू लोगों को सामान कल्चर सामान फेथ सिस्टम सामान वे ऑफ लिविंग के बेसिस पर जोड़ने का एक स्टेप उठाया सो so, हिंदुत्व नॉट बेस्ड ऑन रिलीजियस और स्पिरिचुअल टर्म्स कल्चरल कैटेगरी कवर्स अ लार्ज हिंदुत्विगरीटिकल सोशल एंड कल्चरल स्पेस ही ऑल्सो आउटलाइन थ्रीशियल ऑफ हिंदुत्व और हिंदुत्व के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स वी डी सावरकर ने बताए अगर आपको वो समझ में आ गया तो फिर आपको वी डी सावरकर का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हिंदू राष्ट्र का आइडिया कहां से उत्पन्न हुआ तीन इसेंशियल प्रिंसिपल उन्होंने हिंदुत्व के बताए क्या कहा उन्होंने स्टूडेंट सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक टेरिटोरियल एंटिटी यानी राष्ट्र एक क्षेत्रीय इकाई यानी राष्ट्र इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब क्या है टेरिटरी क्षेत्र जोग्राफिकल एंटिटी भौगोलिक इकाई आप कह सकते हैं तो जो भी व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ है या फिर जिसके पिता जिसके पूर्वज इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं क्षेत्र मतलब भारत भूमि में इंडस से लेकर के समुद्र तक इंडस से लेकर के आप कह सकते हैं कन्याकुमारी तक वह हिंदू है या तो व्यक्ति का जन्म हुआ है या तो व्यक्ति के पूर्वजों का जन्म हुआ है तो वह व्यक्ति है कहीं भी एक ब्रिटिश या मुसलमान जो देश का नागरिक बन जाता है वह हिंदू नहीं है उनके विचार ऐसे थे क्या कहते हैं एक ब्रिटिशर या फिर एक मुस्लिम जो कि कंट्री का सिटीजन बन जाता है इज नॉट अ हिंदू नाउ द थिंग इज देखिए समझिए अगर आपके फोर फादर यहाँ पर जन्मे हैं इस भूमि में और आप मुस्लिम हैं या फिर आप इस्लाम रिलीजन के फॉलोवर हैं या फिर किसी और रिलीजन के फॉलोवर हैं तो इट्स ओके okay. उनका कहना था कि आप हिंदू हैं क्यों क्योंकि पूर्वज आपके यहीं पर जन्मे थे बट अगर ऐसा नहीं है आप जो है आपका जन्म हुआ है कहीं और जैसे कि जो इस्लामिक रूलर्स आए थे वेस्ट एशिया से क्रिश्चियनिटी आई थी यूरोप से तो उनका कहना था वो भले यहाँ के नागरिक भी हो फिर भी वो हिंदू नहीं है आई होप इट इज क्लियर टेरिटोरियल एंटिटी का मतलब क्या है इज दिस क्लियर स्टूडेंट प्लीज लेट मी नो टेरिटोरियल एंटिटी का मतलब का मीनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है टेरिटोरियल एंटिटी क्लियर है ओके ओके ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एंटिटी दूसरा उन्होंने नस्ल की बात की क्या कहते हैं वो नस्ल से रिलेटेड नस्ल से रिलेटेड क्या कहते हैं स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इस भूमि पे जो भी लोग रहते हैं वो एक कॉमन रेस कॉमन ब्लड शेयर करते हैं वो क्या कहते हैं द पीपल ऑफ दिस लैंड आपसे कहा था क्लास की शुरुआत में भी हमने बात की थी है. क्यों? क्योंकि उनके है. तो वो ब्राह्मण है या शूद्र है वो वैश्य है या क्षत्रिय है उससे कोई मतलब नहीं वो सब हिंदू है सो येस दिस ब्रिंग्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज दट वी डी सावरकर ऑपोस्ट कास्टिज्म कास्ट सिस्टम को वीडी सावरकर अपोज करते थे अब देख लो आप सावरकर की आइडियोलॉजी क्या थी और सावरकर की आइडियोलॉजी हमें कैसे आजकल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एजेंडा दिखाती हैं सो so, वी डी सावरकर है। हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट देते हैं हिंदुइज्म को एक धर्म नहीं बताते बल्कि एक वे ऑफ लिविंग बताते हैं जीवन यापन का साधन बताते हैं तो उनका हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट काफी ब्रॉड था एवरी वन हुवर लिवस इन इंडिया इज अंदू फॉर वी सावरकर एंड दू कहते हैं कि कास्टिज्म बिल्कुल गलत है जातिवाद जो प्रथा है जो प्रथा है वो लोगों को ब्राह्मी क्षत्रिय वैश्य शूद्र में डिवाइड कर रही है और हम अपनी यूनिटी अपनी एकता को खो रहे हैं सो so, वी डी सावरकर एंड ऑफ द क्लास एंड देन थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट अ कॉमन कल्चरल एंटिटी तो पहला क्या था पहला था टेरिटोरियल दूसरा था रेशियल तीसरा है कल्चरल एंटिटी। मतलब संस्कृति कल्चर क्या है संस्कृति तो बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर रह रहे हैं उनकी संस्कृति सेम है देर फॉर ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ वन नेशन वन रेस वन कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन वी डी सावरकर ने एक राष्ट्र एक नस्ल और एक संस्कृति का आइडिया हमें दिया है का विचार हमें दिया है

सेम रिलीजियस टेक्स्ट होंगे सेम उनके धार्मिक ग्रंथ होंगे तो ये उनका कल्चर सेम होगा तो जिनका भी रिलीजियस टेक्स्ट अलग है या जिनके भी कस्टम अलग हैं वो हिंदू नहीं है जैसे कि ब्रिटिशर्स या फिर जैसे कि मुस्लिम्स ऐसा वीडियो सावरकर का कहना था तो दिस ब्रिंग्स अस टू अ कंक्लूजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिश्चियनिटी इस्लाम और जुदाइजम के जो भी फॉलोअर्स थे दे वर नॉट हिंदूज फॉर वी डी सावरकर वाई बिकॉज वही बात हुई कि सेम कल्चर नहीं है या फिर वो इंडिया को बिलोंग नहीं करते थे इंडिया की जो भूमि थी भारत की जो भूमि थी वहां पे उन्होंने जन्म नहीं लिया था बट ये वन मोर थिंग इज दिस कि जो भी इस्लाम के फॉलोवर्स क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स या बाकी धर्मों के फॉलोअर्स इंडिया में रह रहे हैं और पहले वो अः इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स नहीं थे बल्कि पहले उनके पूर्वज भारत के रहाकू थे तो वो हिंदू हैं क्यों क्योंकि उनके पूर्वज भारत में जन्म ले चुके थे या भारत को बिलोंग करते हैं ठीक है तो उनका कहना था द मुस्लिम ऑफ इंडिया एक्चुअली द द लिविंग इन इंडिया इंडिया ऑफ वर अर्लियर एंड नाउ दे नीड टू रिटर्न बैक ठीक है ऐसा उनका कहना था वीर सावरकर का ओके चलिए सो दिस वॉज अबाउट हु इज अ हिंदू एज पर वीर सावरकर और उनकी हिंदुत्व की कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी क्या थी अब मुझसे अमित ने एक सवाल पूछा है कि वाई ही रिजेक्टेड मुस्लिम एंड ब्रिटिश एज हिंदू सो आई गेस अमित इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू मुस्लिम और ब्रिटिश अगर भारत के जनमे नहीं है आपके एग्जाम के लिए फ्री इंडिया एक सोसाइटी थी उसका गठन लंडन में किया था वीर सावरकर ने और ये वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने अठारह सो संतावन की क्रांति को पहली बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति को पहली बार इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए पहला युद्ध कहने वाले वीर सावरकर थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सिपोय म्यूटनी नहीं थी ये सिर्फ छोटा मोटा विद्रोह नहीं था बल्कि ये एक युद्ध था भारत की आजादी की तरफ पहला युद्ध था 1857 की जो क्रांति थी उसे उन्होंने कहा ठीक है और उसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड करने वाले भी वीर सावरकर थे फर्स्ट टाइम किसी ने अगर पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तो वो वीर सावरकर थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ उनके वैचारिक मतभेद चलते रहते थे 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ उस समय आपको पता है कि लिन लिथ गो हमारे वाइस रॉय थे इंडिया में लिनलित गो ने कहा था कि भाई भारतीय वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स का सहयोग दे रहे हैं और आपको पता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस ने इस बात की आलोचना की थी कि हम नहीं साथ दे रहे हम नहीं लड़ने जाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध पर वीर सावरकर ने लोगों से कहा था कि आप जाइए द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने सो so, कांग्रेस गांधी और वीर सावरकर की विचारधारा में हमें समय समय पर बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखने को मिले हैं ठीक है सो आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट ये

सिविलाइजेशन uh, है सभ्यता है ठीक है तो उनका कहना था कि इट इज द ऑफ टेरिटोरियल टेरिटोरियल एंड एंड पॉलिटिकल नेशनलिज्म इज इज इट तो एक नेशनलिज्म होता है टेरिटोरियल मतलब क्या कि हम इस भूमि के हैं तो हम जो है अपनी टेरिटरी को बचाना चाहते हैं जिसका आप कहिए कि प्रचार प्रसार फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत बड़े लेवल पे किया बट वी डी सावरकर कहते हैं कि नहीं सिर्फ टेरिटरी इंपॉर्टेंट नहीं है ये देखिए कि एक हिंदू कौन है वो अगर Uh, कहीं विदेश में भी बैठा है और वो भारत में जन्मा है या फिर उसके पूर्वज भारत में जन्मे हैं तो उसमें भी राष्ट्रप्रेम राष्ट्र भक्ति नेशनलिज्म होगा ठीक है ये वीडी सावरकर का नेशनलिज्म का था विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम टेरिटोरियल नेशनलिज्म जो आप कि आप कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की अवधारणा से डिफरेंट था सो स्टूडेंट्स दिस ब्रिंग्स एंड ऑफ द क्लास आई होप दिस टॉपिक इज बिट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इफ नॉट देन द क्लास इज ओवर फ्रॉम माई साइड कुछ इन्फॉर्मेशन आप मुझसे लेके जाए इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको बताया क्लास के शुरुआत में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड सीरीज हमने चलाई है फ्री सीरीज बाय जूस एग्जाम्पल ऐप पर आपको ये मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं सो so ये क्लासेस जो है ट्यूसडे थर्सडे होती है बट कुछ शेड्यूल इस हफ्ते का अगले हफ्ते का चेंज है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं इसका स्क्रीन ले सकते हैं हम ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं यूएसए जर्मनी फ्रांस चाइना स्विट्जरलैंड पढ़ने वाले हैं और फिर दो टेस्ट भी मैं आपके लूंगी कब कौन सी क्लास होगी 1 पे होगी इसका आप ले लें और हर क्लास में प्लीज प्रेजेंट रहें भूले नहीं क्लास को ज्वाइन करना क्लास का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा टेलीग्राम की डिटेल आपके सामने दी हुई है एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स अ ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू इज दिस कि हमारे न्यू बैचेस लॉन्च हो रहे हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस इलेवेंथ जुलाई और नाइनटीन जुलाई को

प्लस आपका एग्जाम एनालिसिस पेपर कैसा था आंसर की में कुछ चैलेंजेबल क्वेश्चन है वो हम आप तक पहुंचाएंगे उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सकें एंड स्टूडेंट्स अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इस बार पेपर दिया था जैसे कि एग्जाम एनालिसिस में आपने हमारी हेल्प की थी आई एक्सपेक्ट कि आप अब भी क्वेश्चन पेपर हमसे शेयर करेंगे सो so दैट वो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम चैलेंजेबल क्वेश्चन आपके सारे फ्रेंड्स तक पहुंचा पाए डोंट वरी अक्षय ऑल इज गुड आपने अच्छा काम किया है अच्छा कर्म किया है मेहनत की है रिजल्ट अच्छा होगा डोंट वरी डोंट वरी रजनता ऑल विल बी गुड हाँ हर एग्जाम में सावरकर से क्वेश्चन आते हैं पिछली बार भी मैंने कहा था आपसे जब आप जून का पेपर देने जा रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे आरती आरती ने मुझसे कहा एग्जामिनेशन हॉल से पहले बाहर आते ही उन्होंने मुझे बताया कि मैम सावरकर से क्वेश्चन आए थे जैसे कि आपने कहा था सो यस दिस इज वन ऑफ द वेरी रेलिवेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स ठीक है जी चलिए तो क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्लास क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जवाब देना है अगर क्लास अटेंड की है तो पता है मित्र मेला की स्थापना किस साल में हुई थी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो मित्र मेला की स्थापना किस से, uh, किस ईयर में हुई थी नॉट इन द लाइव चैट बट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच स्टूडेंट स्टेट यूनिट ऑन मोर सच क्लासेस